नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब बौखलाए केजरीवाल को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। केजरीवाल बीजेपी पर तंज करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। आखिर क्यों सिसोदिया को लेकर बेचैन हुए केजरीवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अब केजरीवाल इतने डर गए हैं कि उन्हें अपनी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। केजरीवाल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाए और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एक एक करके गिरफ्तारी ना करें, इससे दिल्ली के विकास का काम प्रभावित होता है। इससे अच्छा दिल्ली के सभी मंत्री और विधायकों को एक साथ अरेस्ट करके जांच करवा ली जाए। केजरीवाल के इस डर से तो लग रहा है कि वाकई सिसोदिया का काला राज भी बाहर आने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन समेत कई लोगों के घर छापा मारा था, तब भी केजरीवाल ने उनके मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की थी और आखिर में सत्येंद्र जैन का बड़ा राज खुला और वो सलाखों के पीछे पहुँच ही गए। अब ऐसी ही भविष्यवाणी केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर कर दी है, जिससे लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी किसी न किसी घपले में शामिल जरूर हैं और केजरीवाल को उनके फर्जीवाड़े की भी जानकारी है। अब जांच एजेंसियां उन तक भी पहुंचने वाली हैं, जिसकी वजह से सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर पहले ही केजरीवाल को सताने लगा है। वहीं केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये गिरफ्तारी हिमाचल चुनाव की वजह से करवा रही है ताकि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचे। खैर, जब भी किसी भी पार्टी के नेता का भ्रष्टाचार सामने आता है या किसी भी केस में सबूत मिलते हैं, केजरीवाल हो या फिर कोई और, सब बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने लग जाते हैं। लेकिन अब ये आरोप लगाए या कुछ भी करें, ईडी को सत्येंद्र जैन के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और केजरीवाल की भविष्यवाणी के बाद बारी सिसोदिया की भी हो सकती है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल लगातार बौखलाए हुए हैं। कभी बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हैं तो कभी झूठे केस में फंसाने का। अब तो केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भी भविष्यवाणी कर दी है, जिससे कहा जा रहा है कि शायद केजरीवाल और सिसोदिया मिलकर कोई घपला जरूर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अब अगली मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। खैर, अब ये बात जांच एजेंसियों के अगले एक्शन के बाद साफ हो जाएगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।